come on! Thank you.
ये कोई आम मुजरिम नहीं, या फिर कोई बैरूनी दहशतगर्द, कोई भी हो चाचा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना आसान नहीं उन पे हाथ डालना। दे आर हाईली ट्रेन पीपल। बेहतर यही है कि तुम अपने इम्तिहान पे तवज्जो दो। कब शुरू हो रहे हैं? कल पहला पेपर है। नहीं करना मैंने सीएसएस। ये होता है सिविल सर्विस का अंजाम। ये वर्दी खाली हो गई है, ये घर खाली हो गया है। कल ये वर्दी कोई और पहन लेगा, ये घर किसी और पर लाट हो जाएगा। और हम यूं मातम करते रहेंगे सारी जिंदगी। इसे तो अच्छा था कि मैं उनसे खुद जाके टकरा जाऊं, या उन्हें खत्म कर दूं या खुद खत्म हो जाऊं। जवाब इत्मीनान से सोचो, हर काम का एक तरीका होता है, एक डायरेक्शन होती है, कुछ महारत चाहिए ऐसे कामों की। तुमने आज तक शॉटगन से या चिड़िया मारी है या ज्यादा से ज्यादा फायरिंग रेंज की डमीज पे अपना गुस्सा उतारा है, बस ठीक है। तुम उन्हें तलाश भी कर लेते हो, फिर क्या करोगे तुम? दे आर नॉट डमीज, अंडरस्टैंड?
अगर आप उनसे डरते हैं तो डरते रहिए। जमान क्या हो गया, चचा है तुम्हारे? चचा होते तो अपने भाई के कातिलों को यूं ना छोड़ देते। मैं अपने बाबा के कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। दीवार का दरवाजा हूं मैं, और फिलहाल ये दरवाजा बंद है। रास्ते से हट जाएं, प्लीज मुझे जाने दें। दरवाजा खोल कर जा सकते हो तो चले जाओ, दीवार फलांगने नहीं दूंगा तुम्हें। और हां, अगर तुम ये बैग यहां से उठाने में कामयाब हो जाओ तो मैं समझूंगा कि तुम अपने दुश्मनों पर काबू पा सकते हो, और अगर बैग उठाने में कामयाब ना हो सके तो फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। कम ऑन। खानदानी मामला है, लेट देम डिसाइड। तुम इस औरत को कत्ल करना क्यों चाहते हो? वो पाकिस्तान में बड़े खलूस के साथ तालीम के लिए काम कर रही है। तुम्हें उसका खलूस पसंद नहीं है? काम काम, लेकिन अगर वो अपना खलूस बेचना चाहे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। इस तरह उसकी जान बच सकती है। श्योर। एक बात मैं भी पूछूं, तुम एक असैसिन हो, पैसे लेकर लोगों को कत्ल करते हो, फिर ये जिंदगी बचाने की बात क्यों करते हो? मैं केस उस वक्त तक अपने हाथ में नहीं लेता जब तक मुझे अंदाजा ना हो कि इस मसले का हल सिर्फ मौत है। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मसले का हल मौत ना हो। मैं मौत को टालना चाहता हूं। अगर लोगों के नजरिए, अकीदे, कमिटमेंट अक्सर रश्क आता है उन लोगों पर जो मर जाते हैं मगर उनके इरादे जिंदा रह जाते हैं। फिलोसफर भी हो? था। अगर अब सिर्फ मौत हुई, हम कायनात में 17 मील/सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहे हैं। सिर्फ मौत ही है जो हरकत में सुकून का इदराक देती है। मैं रूहों को हालत सुकून का तजुर्बा देना चाहता हूं। लोग समझते हैं मौत फना कर देती है, मैं समझता हूं मौत महज हरकत की सिम तब्दील कर देती है। तुम क्या प्लान लेकर आए हो? पहले फेज में मैंने अपने आप को पाकिस्तानी माशरे में एक मौजूद शहरी के तौर पे अपने आप को मुतारिफ करवाना, दूसरे फेज में तालीम पे काम करना है। मेरे ख्याल में तुम पुलिस और एजेंसियों की नजरों में आ गए। इम्पॉसिबल, मुझे किसी ने नहीं पहचाना। मैंने कोई निशान, कोई तस्वीर, कोई चीज कहीं नहीं छोड़ी। आर यू श्योर? यस। बड़े शहर जंगल होते हैं। यूसुफ प्लीज, नो मोर फिलोसफी। देखो जमाल, उस वाकये को याद करो कि जब
हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दुश्मन को सिर्फ इसलिए माफ कर दिया था कि उसने उनके चेहरे मुबारक पर थूक दिया था। सिर्फ अपनी जात के लिए लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जाती इंतकाम, अनाद, बुग्स, नफरत, ये तुम जैसे ज़हीन, पढ़े लिखे और बहादुर नौजवान को जेब नहीं देती। उठो शब्स, उठो। बी ब्रेव, खुदा हमारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस्मान अभी मरा नहीं, आई एम योर फादर नाउ। मुकाबले का ये इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लो। सादत चाचा और नाहिद हर कदम पर मेरी मदद करते रहे। डैडी की शहादत का दुख अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर चाचा सादत और नाहिद न होते तो शायद मैं इंतकाम और गुस्से की आग में जनूनी होकर कानून का मुजरिम बन जाता। मगर शायद उनके दिलों में मेरे लिए बहुत खलूस था। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था। रोज कत्ल और धमाके हो रहे थे। मैं दहशतगर्दों को ख़त्म करना चाहता था मगर अभी मेरे लिए वो वक्त नहीं आया था। मैं इतना मजबूत होना चाहता था कि इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। मेरी मेहनत रहेगा नहीं की। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम था जब मैंने अपने पहले इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। मैंने मुकाबले का इम्तिहान शानदार नंबर से पास किया। ये वो इदारा है जिसमें डैडी ने 25 साल गुजारे। वो इदारा है जो आज भी डैडी की दिलेराना शहादत पर नाज करता है। डैडी की मौत के ठीक 2 साल बाद, 2 तवील साल बाद आज मैं यहां बतौर ASP अपोर्ट कर रहा हूं। अब मैं इस काबिलों के काम के बेशुमार बेगुनाह और मजलूम लोगों के खून का हिसाब ले सकूं, इनकी दादरसी कर सकूं। मैं आज मजबूत हूं, मैं हिसाब लेने आ पहुंचाऊं। आज से एहतसाब का मुल्क शुरू होता है। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मुझे हिम्मत, सब्र और इस्तकामत अता फरमा। ऐ खुदा, मैं तेरा आजिज बंदा हूं। ऐ खुदा, मेरी मदद फरमा। सर, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि अपने वाल की शहादत को अपने रोजगार का जरिया बनाऊं, बल्कि मैं उन कातिलों को तलाश करने में आपकी डिपार्टमेंट से मदद चाहता हूँ। कल पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे वालिद पे फख्र था और आज बेटे पर भी फख्र। मुझे खुशी है जमाल कि तुमने फर्स्ट ऑप्शन पुलिस का दिया। इट्स ऑल्सो माई लास्ट ऑप्शन सर, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मुझे यकीन है तुम्हारे वालिद दिलेर आदमी थे। मेरा मशवरा है कि तुम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लो, क्या ख्याल है? राइट सर। आई एम सेंडिंग यू टू ATS फॉर कमांडो ट्रेनिंग। ऑल राइट? राइट सर।